रॉयल बॉल कॉस्टिंग क्लोज टू 18। मैच की आखिरी गेंद और रन बने 18। क्रिकेट में ऐसा होते आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया है। जिस गेंद पर 18 रन बने उसे T20 इतिहास की सबसे महंगी आखिरी गेंद के तौर पर आंका जा रहा है। ये 18 रन बने कैसे, बल्लेबाज ने क्या किया, गेंदबाज कहां चूका, कैसा हुआ कहां है? T20 में पहली बार एक गेंद पर 18 रन बनते हुए दुनिया ने भारत की तमिलनाडु प्रीमियर लीग यानी TNPL में देखा है। इनिंग की आखिरी गेंद पर 18 रन बने कैसे, अब जरा वो जान लीजिए। हुआ ये कि गेंदबाज अभिषेक तंवर ने जब ये ओवर डाला तो गेंद ने स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज संजय यादव के स्टंप उड़ा दिए। तंवर इसका जश्न भी मनाने लगे, लेकिन अंपायर ने गेंद को नो बॉल दे दिया। अब भाई नो बॉल का मतलब है फ्री हिट, जिस पर संजय यादव ने छक्का जड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गेंद फिर से नो बॉल निकली। अभी तक 8 रन दे चुके अभिषेक तंवर ने एक और कोशिश की। इस बार बल्लेबाज ने 2 रन लिए, लेकिन गेंद फिर से नो बॉल हो गई। हालांकि आखिरी गेंद को डालने के अगले प्रयास में कुछ नया दिखा, गेंद नो बॉल ना होकर वाइड हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा के रन फिर भी मिले। अब तक 12 रन गेंदबाज ने दे दिए थे, इनिंग की आखिरी गेंद पर 18 रन बन गए। मतलब 3 नो बॉल और 1 वाइड का खामियाजा गेंदबाज को 18 रन देकर चुकाना पड़ा। TNPL 2023 में यह मुकाबला चेपॉक सुपर गिल्स और सलेम स्पार्टन्स की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में चेपॉक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 217 रन बनाए, जिसमें आखिरी गेंद पर 18 रन लूटने वाले संजय यादव ने 12 गेंद में नाबाद 31 रन जड़ दिए। वहीं 218 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सलेम स्पार्टन्स टीम सिर्फ 159 रन ही बना सकी और 52 रन के बड़े अंतर से मुकाबला हार गई। लेकिन इस मैच में पहली इनिंग की आखिरी गेंद पर जो हुआ, अब उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फिर से याद रखिए, 1 गेंद 18 रन, ये हुआ है TNPL 2023 में।